और मुनाफिक जो होगा ना वो ओवरलोडेड एप्रिसिएशन करेगा। सही। जो दुश्मन होता है ना खालिस अबू जहल के लेवल, वो बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करेगा क्योंकि वो जेन्युइन है अपने दुश्मन। सही। दोस्त ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, दोस्त टूटी हुई हालत में भी एप्रिशिएट करेगा और मजबूत हालत में तो मजबूत हालत के ना तनबीह करेगा उसको कि अल्लाह ने तुझे मकाम दिया तेरा ख्याल रखे, लेकिन एप्रिशिएट जरूर करे खुशी में उसके साथ हो। मुनाफिक जो होगा ना दोनों के मुकाबले में हट के बढ़ाएगा। मुनाफिक ऐसी तारीफ करेगा जो सगा बाप भी नहीं कर रहा होता। मतलब हम अपने हमारा एक इंसान की अपनी अपने घर वाले नहीं उसकी ऐसी तारीफ करेंगे जिस तरह का मुनाफिक आके कहेगा क्या बात है, क्या बात है, किसी माँ ने तो आप जैसा पुत्र ही नहीं जाना। सही। हमारी तो हमारी अपनी माँ ने इस तरह से हमें, हमारी माँ भी माशाल्लाह बहुत प्यार करने वाली वालदा है हमारी, लेकिन वो ओवरलोडेड होगी और आपको उस महल में फील हो जाएगा यार कि इतना क्यों है, अभी तो मेरे तुम्हारे 10 साल नहीं कटे, मेरी तुम्हारी कनेक्ट। और दूसरी बात है रिश्ता और ताल्लुक होता ही वो है जो मुंह से बयान ना किया। सही। लेकिन उसका एक्सप्रेशन आता है कुछ लोग, अच्छा कुछ रिश्तों में ये भी मसला होता है कि वो करते बहुत हैं एक्सप्रेस नहीं करते, ये गलती है। ये रिश्तों के बीच में जज करना कि जो कंफ्यूजन और डाउट्स का मसला है, ये वो करता बहुत था लेकिन बोलता नहीं था, कभी कभी एक्सप्रेस करना चाहिए। मुनाफिक जो होगा ना मुनाफिक की निशानियों के अंदर ये होगा वो आपको कभी अपनी राय नहीं देगा। सही। वो कभी आपको अपना ओपिनियन नहीं देगा और देगा तो उसके झोल के साथ देगा थोड़ा। ना तारीफ होगी ना मजम्मत होगी। दूसरी बात अल्लाह आपका भला करे बहुत जगहों के ऊपर नहीं होंगे आपके साथ आगे, डर होता है ना प्रेशर पॉइंट्स पे छोड़ जाएंगे। प्रेशर पॉइंट्स पे तो पहुंचते नहीं है, प्रेशर पॉइंट्स पे तो बड़े बड़े गुन्ने मुनाफिक होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं और ऐन मैदान जंग में छोड़ देंगे। ये दूर दूर रहेंगे आपसे, रहेंगे आपके साथ क्योंकि मफाद है ना। सही। क्या पता कल को इसका इसको हिट लग जाए और ये ऊपर पहुंच जाए, कल को फायदा तो हो सकता है ना। तो जैक मा कहता है ना कि आपके खाने की आपकी तरक्की और कामयाबी के बाद खाने की टेबल पे सबसे पहले वही होंगे आपके साथ जो तो कभी किसी जमाने में आपको सबसे ज्यादा तरक्की।